दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित श्री धार्मिक रामलीला में रावण दहन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंच पर श्री राम और माता सीता के साथ हनुमान जी का भी किया तिलक, आरती भी उतारी, राम रावण युद्ध का मंचन भी देखा। रावण दहन के लिए लंकापति रावण के पुतले पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर चलाया, हाथ में धनुष बाण लेकर रावण पर साधा निशान। पटना में सीएम ने तीर चलाकर किया रावण का वध, गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचे, ट्रेन से हुई हनुमान जी की एंट्री। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी महापर्व पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल हुए, श्री राम का राजतिलक किया, शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा ये पर्व सभी के लिए मंगलमय। मैसूर में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने देवी चामुंडेश्वरी को चढ़ाए फूल, जम्मू सवारी को दिखाई हरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विजयदशमी के अवसर पर दुर्गा मां को दी गई विदाई, सिंदूर खेला के बाद दुर्गा मां की मूर्ति को विधि विधान के साथ विसर्जित किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयं सेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए, इलाके में तनाव का माहौल है, पुलिस बल तैनात किया गया। गणेशोत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले मोहन भागवत, कहा गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना होगा। विजयदशमी पर बाबा रामदेव ने कहा समाज में वैमनस्यता को कम करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए, खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, ऐसी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचालन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे, कहा उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हिंदू समाज याद रखे कि बटोगे तो कटोगे। भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में तहरीर, शिकायतकर्ता ताराचंद गोस्वामी बोले सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बॉलीवुड में भाग लेने गए हैं बाबा। 17 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री नारायण के कपाट, रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। पीएम मोदी ने मेहसाणा हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को दी जाएगी 50,000 रुपए की मदद।